We all welcome you in Mumbai University admission procedure 2021-22. इस वीडियो में हम complete process of registration देखेंगे for the arts stream, science stream and commerce stream. ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक मुंबई यूनिवर्सिटी में इससे पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया था. फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहे 2021-22 साल के लिए. सो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर वो साइंस के हो या कॉमर्स के हो सिलेक्ट करना है. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं. समझ में आ रहा है कि हमको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना हो. अप्लाई इन हाउस सीट और वांट टू अप्लाई माइनॉरिटी कोटा और आपको इसके अंतर्गत नहीं करना है. अच्छा देखो अभी आपके यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं. यदि आप इन हाउस कोटा से हो, इन हाउस अप्लाई कर रहे हो जिस कॉलेज ने अपने जूनियर किया था कॉलेज किया था उसी कॉलेज में आपको सीनियर कॉलेज के लिए अप्लाई करना हो तो अभी आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है. हाउ टू रजिस्टर on university website, how to select stream like arts, science, commerce, how to select college for different courses like BAB, BBA, microbiology, plain commerce, plain graduation, etc. How to upload documents and how to pay the fees. So dear all, we will see one by one here. Before that, please visit university website and here, let's have a look on required document. Here are the sample list of documents you can take screenshot before applying yourself in Mumbai University. Passport size, photo, signature, soft copies, Aadhaar card or PAN card, caste certificate if you belong to any caste, otherwise special disabled certificate if handicapped in that case, 10th mark sheet, 12th mark sheet, if diploma you done, diploma mark sheet. And then all the degree mark sheet if required, if not required, not necessary. Let's take a screenshot and keep all this soft copy handy before going for the registration online. So watch the video till the end for complete guide regarding this. Dear all, I already created video part 1 and part 2 for the registration. How to register, how to apply, how to select college. But again and again, due to the request of you all, I am trying to do my best once again within a one video, a complete guide, complete process of admission in Mumbai University. So stay tuned with Balush Educator. देखो आपको गूगल में mu.digitaluniversity टाइप करना है. उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2021-22 के लिए. हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं. प्री ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं. ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है कि आई एम न्यू एडमिशन सीकर इन दिस यूनिवर्सिटी. आप नए एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है. सो वहाँ पे अपने आपका नाम डालना है, सरनेम डालना है, देन राइट डाउन वेदर योर सन और डॉटर, देन अपने फादर्स का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ. पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो 12th के मार्क लिस्ट के ऊपर जो भी अवेलेबल रहेगी, 10th के मार्क लिस्ट के ऊपर जो भी अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डालना है. फिर आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अकॉर्डिंगली डालना है. यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर, जो वैलिड मोबाइल नंबर है अपडेट है वो आपको यहाँ पे डालना है क्योंकि आइडेंटिटी रहता है. फिर एक्सेट राइट डाउन प्रॉपर यूर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी एकदम प्रॉपर डालना है. इसमें कोई भी चेंजेस रहेंगे तो अभी आपको करके लेने हैं. इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है. एक बार आपको एक्सेप्ट करना, यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और फिर अग्री करना है. यदि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तभी आपको यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट में जाके खुद को रजिस्टर करना है फॉर द डिग्री कॉलेज एडमिशन. यदि आपका रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका ये यूजर नेम रहने वाला है. यूजर नेम को आप कहाँ पे भी कॉपी करके रख सकते हो ताकि वो आपको नेक्स्ट लॉगिन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है. और यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालने वाले हो वो वन टाइम पासवर्ड रहेगा. तो एग्जैक्टली प्रॉपर पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. एक बार आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ओटीपी आ जाएगा. आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है तो उसके ऊपर वो ओटीपी आ जाएगा.
तो वो आपको वहां पे ओटीपी डालना है, ठीक है। फिर एक बार आप रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तभी आपको एक ओटीपी आ जाएगा जो आपके वैलिड मोबाइल नंबर जो आपने डाला था उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर से ओटीपी यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अपने आप मोबाइल वेरीफाई करेगा और आपको यहाँ पे खुद का पासवर्ड बनाना है अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखो आप पासवर्ड बना सकते हो। फिर वही पासवर्ड को आपको दोबारा लिखना है, नहीं अभी बनाया था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसका थोड़ा ध्यान रखो। ये करने के बाद आपको यहाँ पे करना है लॉगिन, को यहाँ पे करना है लॉगिन। ये लॉगिन करने के बाद आपको ये आपकी प्रोफाइल बन जाती है और यहाँ पे आपको सब अपनी डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। देखो आपका जब ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें ऐसे बताया गया है कि आपका जब ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तभी आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन माना गया है, ठीक है। और आपने एक लॉगिन से आप एक ही यूनिवर्सिटी के लिए, एक ही एडमिशन के लिए, एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके दूसरा कोर्स के लिए आपको साथ ही साथ अप्लाई करना है तो आपको दूसरा लॉगिन रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, एड्रेस भरना है, एजुकेशन भरना है, यदि रिजर्वेशन हो तो वो क्लिक करना है, फोटो और अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे करना है। उसके पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा प्रोफाइल भरना है, फिर उसके बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो या फील प्रोफाइल के ऊपर आप जब भी जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आपको ये यूनिवर्सिटी की विंडो दिखाई देती है, यहाँ पे आपने डिटेल्स पूरा भरना है, जो भी रेड स्टार है वो कंपल्सरी करना देना है। मदर का नेम यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज में हिंदी या मराठी जो भी कुछ लैंग्वेज है उसमें वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको 3 इयर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके कन्वोकेशन सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी की ओर से मिलता है उसके ऊपर आना चाहिए। तो ये नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके लिविंग सर्टिफिकेट में हो या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में या जो पासिंग सर्टिफिकेट अभी बोर्ड की ओर से मिला है वही होना चाहिए। तो आपको वही नंबर यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे डालना है। ये नेम आपको डालने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बर्थ डेट जो ऑलरेडी आपने मेंशन की थी वो आ गई है, फिर मैरिटल स्टेटस हो तो आपको एस करना है या नो करना है, फिर ये जो कंपलसरी है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको फिल करनी है। उसके बाद नीचे आप आते हो तो वहाँ पे देखो आपको आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर ये भी एकदम करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। और ये सब होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, जो स्टार किया हुआ वो कंपलसरी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। एक बार आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल होती है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। देखो बच्चों, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालते समय आपको अपना जो एरिया में रहते हो बिल्डिंग नेम वगैरह प्रॉपर यहाँ पे डालना है। मेंशन करो कि आप अर्बन या मेट्रोपोलियन रहते हो, वो मेंशन करने के बाद इंडिया अपने आप आ जाता है। फिर सिलेक्ट स्टेट में महाराष्ट्र, मुंबई सिटी, देन तहसील मुंबई, सिटी मुंबई और जो भी अपना करस्पॉन्डेंस रहेगा इस यहाँ पे करना है। और ये जो कंपल्सरी रहेगा इस प्रेजेंट एड्रेस सेम है एड्रेस करस्पॉन्डेंस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और ये सब होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको एसएससी के क्वालिफिकेशन का जो पासिंग रहेगा उसका यहाँ पे डालना है, एचएससी का डालना है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे डालना है। और ये सब डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको करना है प्रोसीड। तो यदि आपको किसी
कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट के लिए सोशल रिजर्वेशन के लिए आएगा, नहीं करते हो तो आपको नहीं करना है, यदि आप जनरल से करते हो तो जनरल क्लियर करना है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अभी इंडिया में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंतर्गत आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर बाद में जो अपने रिजर्वेशन की डिटेल रहेगी तो यहाँ पे बताना है। फिर बाद में देखो ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन की, आपके गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन है वो कंपलसरी है तो आपको यहाँ पे डालना है, जो भी कुछ बिजनेस वगैरह करते होगे तो इनकम वगैरह डालना है, फिर ईडब्ल्यूएस रहेगा तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है को डालना है, और गार्डियन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको करना है, नहीं तो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर आपको सेव और प्रोसीड में जाना है, तो ये सेव और प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे लास्ट विंडो आ जाती है फोटो और सिग्नेचर, ये आपको क्रॉप करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ पे आप यहाँ पे अपलोड की आपका इन्फॉर्मेशन फुल होने के बाद आपको ब्राउज अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए विंडो दिखाई देती है, तो यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, फोटो ऑलरेडी आपका पेनड्राइव या आपके मोबाइल में रेडी होना चाहिए, ब्राउज में क्लिक करने के बाद आपको आपका फोटो का लोकेशन दिखाई देगा, फिर आपको ये सेव और प्रोसीड के लिए आ जाता है कॉन्टेक्ट डिटेल, ये आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे इज दिस व्हाट्सअप नंबर, यस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ईमेल आईडी कंफर्म है क्या, अल्टरनेट ईमेल आईडी रहेगा तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, एरिया का लैंडलाइन नंबर सीट नंबर वो देना, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, जो स्टार किया हुआ इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंडेटरी होती है। उसके बाद आपको सेव और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, एक बार आपका ये हो जाता है तो आपको यहाँ पे ऊपर देखोगे कि आपका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके जो एजुकेशन डिटेल है जो मैंने HSC के फॉर्म नहीं भरे यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाता है, फोटो साइन जो अपलोड कुछ करना बाकी था इसके लिए आपका ये प्रोफाइल दिखाती है, ये सब आपका कंप्लीट हो जाता है and this is how very easy process to enroll yourself for the university admission. आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अभी आपको कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए जो आपके मोबाइल नंबर में मिला होगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, लॉगिन करोगे, ये लॉगिन करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, जो भी कुछ मिसिंग रहता है तो यहाँ पे दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म प्रोफाइल डिटेल में क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये रेड मार्क्स दिखाई देंगे, तो हर एक को जाके आपको एक बार चेक करना है जो आपने कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वो सही है क्या, फिर देन उसके बाद आपको एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, देन रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक करना है और एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ कॉन्टेक्ट, ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देती है जहाँ पे एग्जैक्टली आपको अपना कोर्स आर्ट्स के हो साइंस के हो या कॉमर्स के हो सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स प्रोग्राम में आपको यहाँ पे कॉमर्स डालते हैं, सो कॉमर्स के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ओके कॉमर्स यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना हो, यदि आपको प्लेन कॉमर्स के लिए करना हो तो आपको और स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि बीकॉम बीएनआई रेगुलर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के नाम है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेन कॉमर्स के लिए बताते हैं। आपको यहाँ पे पेज नंबर 3 पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है बीकॉम 223401, यहाँ पे बीकॉम में जो विथ क्रेडिट्स रेगुलर रिवाइज 16 FY बीकॉम सेमिस्टर 1 फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शन में से जिनको प्लेन बीकॉम करना है उनको यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्टली सिंपली अप्लाई के ऊपर जाना है। वन मोर थिंग, यदि आपको साइंस के किसी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे साइंस
आपने यहाँ पे डाला कोर्स प्रोग्राम में, तो आपको इस तरह से कुछ बीएससी बीएमएस वगैरह बीएससी वगैरह दिखाई देता है, लेकिन समबडी इज आस्किंग दैट कि माइक्रोबायोलॉजी वगैरह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब ये हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशन हो सकता है फॉर द सेकेंड ईयर। दिस ईयर वी आर टेकिंग एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। तो आपको इसी तरह से बीएससी में भी आप नीचे नीचे जाओगे, पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर थर्ड, पेज नंबर फोर, इस तरह से आपको जाना है और फिर बाद में आपको एग्जैक्टली ऑप्शन चूज करना है। यदि आपको प्लेन कॉमर्स के लिए प्लेन साइंस के लिए सिलेक्ट करना है तो आपको पेज नंबर फोर, प्लेन बीएससी विद साइंस करना है तो पेज नंबर फोर 423401 के ऊपर जाना है और वहां पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है तभी आपको कॉलेजेस दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम यू वांट टू अप्लाई फॉर द बीए कोर्स, तो बीए के लिए भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्लेन आर्ट्स के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको बीए विथ क्रेडिट अगेन 123401 जो ऑप्शन है वहां पे जो दिखाई दे रहा है बीए क्रेडिट रेगुलर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे अप्लाई करना है और फिर कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। सो ये तीन स्ट्रीम है जो बेसिक के लिए करना चाहते हैं, आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो, उनके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है तभी आपको कॉलेज दिखाई देगी। एट द सेम टाइम यदि आप कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए करना चाहते हो जैसे कि बीएमएस हो तो आपको यहाँ पे बी स्पेशली एडेड ये दिखा रहा है, लेकिन आपको कॉमर्स में जाना है फिर आपको या आर्ट्स में जाना है। देखो आप जब भी बीए के यहाँ पे जाते हो सिलेक्ट करते हो तो भी आपको यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमें बीबीआई का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बैप का नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप बीए सर्च इंजन में डालना है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे ए एंड एफ ये जो ऑप्शन है 223402 ये जो ऑप्शन है ए एंड एफ दैट ऑप्शन इज फॉर द बैफ, ये बैफ के लिए है। देन अगेन जो उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बीकॉम बी एंड आई जो जिनको बीबीआई करना है उनके लिए ऑप्शन है, इस तरह से जिनको बिजनेस एंड फाइनेंस मैनेजमेंट करना है बीएफएम उनके लिए ऑप्शंस है। तो आपको वहां पे सर्च इंजन में जब भी आप बीए डालोगे तभी आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं और आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखो जिनको बीएमएस करना है जो या बैफ करना है या अदर कौन सा भी कोर्स करना है, यहाँ पे आपको रेगुलर कोर्सेस दिखाई देते हैं जो ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था कि उनको ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे, तो एक्चुअली वो रॉन्ग सिलेक्शन हो रहा है आपका। कॉमर्स में जाके ऑप्शन को ढूंढ रहे नहीं, आपको बी और ए सिलेक्ट करोगे तभी आपको ये सारे जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस है जो इंस्टेड ऑफ आप ग्रेजुएशन करते हो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिला दिखाई देगी। एट द सेम टाइम दोज हु आर वांटेड टू परस्यू फॉर द साइंस स्ट्रीम उनके लिए भी यहीं पे ही जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेस है हॉस्पिटैलिटी स्टडी हो या न्यूट्रिकल साइंस हो या बायोटेक्नोलॉजी कौन सा भी जो कंप्यूटर साइंस हो बीएससी कंप्यूटर साइंस उनके लिए भी आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन में सिलेक्ट करना है और फिर बाद में थर्ड पेज पे भी आप जाओगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। वन मोर थिंग, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द बीएससी राइट विथ कंप्यूटर साइंस एंड उनके लिए भी देखो ये बीएससी के लिए वही सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन बीएससी विथ रेगुलर लेकिन बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस जो है उनके लिए ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिर आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम अभी एक सैम्पल के लिए कोई सेल्फ फाइनेंस का कोर्स लेते हैं या बीएन देखिए यहाँ पे बी एंड एफ बैफ के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे हमें अप्लाई के ऊपर जाना है। डियर स्टूडेंट मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट प्रोग्रेस विच आर गोइंग टू अप्लाई एज फॉलोज, तो ये आपको रिक्वायरमेंट बता रही है कि आपको एचएससी में 45 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है
उनको आपको उनके वेबसाइट पे जाके आपको खुद को और एक बार रजिस्टर भी करना है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी होता है। देखो आप यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपके मास दिखाई देते हैं, राइट। सपोज आप बैफ के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तभी आपको यहाँ पे मास दिखाई देते हैं। यहाँ पे SSC का डॉक्यूमेंट्स खाली मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे आपको SSC दिखाई देता है, लेकिन हमको पता है कि हमारा हायर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहे जो हमने ऐड नहीं किया था। तो चलिए अगेन हम ऐड करते हैं हायर इसका इंडियन है, बोर्ड है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करना है आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। इट मे टेक लिटिल बिट टाइम ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन। ओके देन बाद में उसके आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर बाद में आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखना है। देन अभी आपको पास्ट हो गए तो पास्ट को यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सीट नंबर डालना है, ये सीट नंबर वही होना चाहिए जो आपके HSC के मार्क लिस्ट में रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपने एक बार ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो रिजल्ट कभी आया था, अभी की हम बात कर रहे हैं तो अभी जो हमारा जुलाई मंथ में रिजल्ट आया था, राइट, सॉरी अगस्त मंथ में रिजल्ट आया था। देन ईयर जो सिलेक्ट करना है, जब भी आपने ईयर जो सिलेक्ट करना है, देन अभी आपने पास किया है, देन मार्कशीट नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, जब ये आपको बोर्ड का मार्कशीट मिलेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया है, मार्कशीट नंबर पे यहाँ पे क्या डाले, मैंडेटरी नहीं मत डालो, जब भी आपको बोर्ड की ओर से मार्कशीट प्रोवाइड होगी तभी आपको यहाँ पे वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो रिजल्ट हैज ग्रेड और मार्क्स, मार्क्स हमें मिले हैं कितने मिले, 550 मिले सपोज आउट ऑफ 600, ठीक है। देन परसेंटेज अपने आप यहाँ पे क्रिएट डाला जाता है, जो प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं डालना है बिकॉज वी डोंट नो, एंड सिंपली आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपका ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कॉलेज की फॉर बैप एडमिशन के लिए, यहाँ पे आप प्रोसेस के ऊपर जाओगे। लेकिन देखो आपका ये कंफर्म ये डिटेल पूरी कंप्लीट हो गई है, फिर अभी कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल के ऊपर आप जाओगे तभी आपको ये पूरी कंप्लीट प्रोफाइल दिखाई देगी। जब भी आप जितना भी एडिशन करोगे उतना आपको दोबारा ये करना पड़ेगा और एक बार चेक करना है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी वो सही है कि नहीं। अगेन यू नीड टू गो हियर ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड देन टिक करके आपको कंफर्म और अप्लाई के ऊपर करना है। अगेन आपको जाना है बैफ के ऊपर जो हम सिलेक्ट कर रहे थे, ओके। देन इसके ऊपर जाने के बाद अभी आप क्लिक कर रहे हो, ये क्लिक करने के बाद अगेन दे वांट टू अप्लाई इन हाउस सीट और वांट टू अप्लाई माइनॉरिटी कोटा, और आपको इसके अंतर्गत नहीं करना है। अच्छा देखो अभी आपके यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, यदि आप इनहाउस कोटा से हो, इनहाउस कोटा मींस इनहाउस सीट से अप्लाई कर रहे हो, जिस कॉलेज ने आपने जूनियर किया था कॉलेज किया था उसी कॉलेज में आपको सीनियर कॉलेज के लिए अप्लाई करना हो तो अभी आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको माइनॉरिटी सीट्स के लिए अप्लाई करना हो या मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई करना हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो, तो ये करने के लिए आपको फिर आपको माइनॉरिटी लिखनी पड़ती है। अभी अप्लाई इन हाउस सीट, अभी आप इन हाउस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट कर दिया, फिर आपको सबमिट करना है। अभी ये यहाँ पे दिखा SSC कन्फर्म करना है, HSC कन्फर्म करना है, फिर बाद में आपको इस तरह से कॉलेज दिखाई देगी जिनके पास जूनियर कॉलेज भी था और सीनियर कॉलेज भी था, ओके। यदि आपको किसी अलग कॉलेज में सिलेक्ट करना हो तो आपको यहाँ पे वो कॉलेज का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा,
थी, ठीक है, सपोज आप विल्सन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे विल्सन कॉलेज को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज के नाम बता रहे, एबिलिटी इनहांस कोर्सेज मिनिमम टू मैक्सिमम टू एप्लीकेबल, तो इसके लिए क्या है, वन बाय वन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप कोर्सेज है जो यहाँ पे दिए है वो आपको ऑप्शन में रखने हैं या कंपल्सरी देने हैं, वो आप क्लिक करना है। थोड़ा भी यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिखाता है। फिर मिनिमम टू यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसके ऊपर क्लिक करना है, मिनिमम थ्री एप्लीकेबल करना है, ये जो कंपलसरी कोर्स है बैक में विल्सन कॉलेज के लिए। फिर आपको विषय व शिकवण्याचे माध्यम मीन्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द कोर्स, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है उस कॉलेज में, वो सिलेक्ट करना है। ये सब सिलेक्शन होने के बाद आपको नीचे जाना है फिर प्रोसीड में। यदि प्रोसीड में जाते हो तभी आपको सेकंड सेम के जो ये है एड एंड टर्म द नेक्स्ट कोर्स, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। फिर अभी आप सेकंड सेम के लिए अगेन सेम कोर्सेस आपको सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपने फर्स्ट को किया था वो सेम कोर्सेस रहेंगे इधर सेकंड सेम में, राइट। तो फिर बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर जाना है। आपका सेकंड सेम हो गया, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो सिक्स सिक्स मंथ का टर्म होता है, और ये सब्जेक्ट है एक बार और चेक करना है। यदि आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए थे तो आपको दूसरा कोर्स करना है, तो आप ये वहीं पे जा सकते हो। देन आपको सिंपली जाना है प्रोसीड के ऊपर। जब आप प्रोसीड के ऊपर जाते हो तभी यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स है जो अभी आप कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई यहाँ पे मेंशन करो। रजिस्ट्रेशन के लिए खाली हमने 10th और 12th का किया था, लेकिन अभी वो सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अभी खाली हम एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करते हैं, देखो, और सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा या आपका आधार कार्ड रहेगा, राइट, वोटर आईडी रहेगा। ये कंपल्सरी नहीं है ऑल करना, लेकिन आपको फिर बाद में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें उसके ऊपर आपने अभी सिलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ पे सबमिशन के ऊपर बटन डालते हो तभी आपको वही तीन दिखाई देते हैं। तो सिंपली आपको अपलोड में जाना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेंगे। डियर ऑल, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द कंप्यूटर, गो थ्रू द लैपटॉप, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और हमें वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। देखो अभी मैंने ऐसे ही यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, राइट। उसके बाद मुझे अपलोड करना है मेरा पासिंग सर्टिफिकेट, जितना भी मैंने वहां से चूज किया था वो सब मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, राइट। देन उसके बाद स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी सॉफ्ट कॉपीज आपने सिलेक्ट करके रखी होगी उसको आपको वन बाय वन सिलेक्ट करते जाना है और अपलोड करते जाना है, वेरी इजी प्रोसेस है। और उसके बाद आपको वोटर आईडी ये करना है, वोटर आईडी मीन्स आधार कार्ड या रहेगा जो भी आपका ऑफिशियल प्रूफ रहेगा, एड्रेस का प्रूफ रहेगा। ये सब होने के बाद आपको आगे है प्रोसेस, प्रोसीड, तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो दिस विंडो शोज दैट कि आपका विल्सन कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है, बैफ के लिए किया है, स्टेटस आपका कंप्लीट हुआ है, डेट बता रहे हैं, एडमिशन फीस बता रहे, पेमेंट बता रहे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एडमिशन फॉर्म फील, एडिट डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे थे नहीं, वो और मुझे चेंज करने हैं, मैंने जो पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड किया वो अलग है, तो ये आप इसी टैब में जाके कर सकते हो। और कैंसिल सब करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो एप्लीकेशन जो आपने लिया है यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो पेमेंट एंड एडमिशन फीस जो रेगुलर कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीए के, बीएससी के, उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फीस नहीं लग रही है, कॉलेज के एडमिशन के लिए फीस लगेगी। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो आपने किया था वो प्रिंट करना है, रेट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनलाइन यहाँ पे आप फीडबैक देना हो तो दे सकते हो। फिर बाद में आपको इसको सेव एंड प्रोसीड करना है। और आपको क्या करना है, ओके, देखो यहाँ पे बता रहे हर एक को आपको रेटिंग देनी है, जो भी आपने ये किया, एक रेटिंग हो, दो रेटिंग हो, जो भी आप देना चाहते हो फीडबैक देना है। और ये आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट के लिए आप ये कर सकते हो, दिस इज योर फुल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। और
यदि आप ये प्रिंट एप्लीकेशन करना है, प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद यदि आप लैपटॉप से कर रहे हो या घर से कर रहे हो तो अभी आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, आपके पास प्रिंटर नहीं होगा, तो आपको सेव करके डैशबोर्ड में यहाँ पे इस फॉर्म को जाके आप रख सकते हो, ठीक है। At the same time, I want to tell you one more thing on that जो भी आपने application दिया है, देखो आप कभी किसी भी professional course के लिए apply कर रहे हो तो ये mandatory है कि इस form की application form की print out निकाल के उस college में ही जाके submit करनी है, it's a very compulsory। I hope all this information is very helpful, if you feel it is helpful to you, you need to share with others, thank you so much being with Balushi Educare, stay tuned, we will be coming with more information regarding the admission procedure for the degree colleges. Dear all, if there is any frequently asked question or any queries regarding this, you can join me on WhatsApp also. Thank you so much. All the best. अब ये application form आपको आपके selected किए गए college में जाके submit करना है, साथ ही उस अपलोड किए हुए सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक फोटोकॉपी भी साथ में सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।